I was going to continue the message which I spoke two Sundays ago. We are the book of Philippians. मैं इस योजना बना रहा था कि जो दो हफ्ते पहले संदेश मैंने दिया मैं उसे आगे लेकर जाऊं फिलिपियों की पत्री से और मैंने ये बताने का सोचा कि आखिर क्यों कर हम अपने उस लक्ष्यों के पीछे उद्देश्यों के पीछे जा नहीं पाते उससे पा नहीं पाते इसलिए पौलुस कहता है कि मैं उस दौड़ में चला जाता हूं उसके लक्ष्य के पीछे लगा रहता हूं और जो हमारी वॉच नाइट प्रेयर की सर्विस है उसमें मैं प्रयास करूंगा कि 16 बातें आपको बताऊं इस विषय में कि आखिर क्यों कर हम अपने लक्ष्यों को उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते और आपको पता है मैं परमेश्वर की आत्मा के प्रति बहुत संवेदनशील हूं जब तक मुझे प्रेरणा नहीं मिलेगी मैं इस विषय पर प्रचार नहीं करूंगा The 16 reasons why you cannot make your goal, and then 5 steps how you can make your goal. Like Paul said, I press forward to reach to my goal. 16 कारण मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों हम अपने लक्ष्यों को उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते और 5 ऐसे कदम मैं आपको दूंगा जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते और आखिर क्यों प्रेरित पौलुस कहता है कि उस लक्ष्य के पीछे मैं दौड़ा चला जाता हूं तो मैं फिर से एक बार उस दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में जाना चाहूंगा और मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो यही है कि उन जो आशीषों की तराइयां When you study this story, you will come to 26:26. On the fourth day, we gathered in a valley of blessing. हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय उसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे वहां लिखा है चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठे हुए प्रोफेसर बाबू स्टार्ट दैट दे वर सराउंडेड बाय ए ह्यूज आर्मी प्रोफेसर बाबू ने शुरुआत की इस बात को बताते हुए कि वे एक बहुत ही बड़ी सेना के दल के द्वारा घिर गए हाउ यू कैन ट्रैप The valley of enemies into valley of blessings. आखिर आप कैसे शत्रुओं से भरी उस तराई को आशीषों से भरी तराई में परिणित कर सकते हैं? Every family, every young person, you are surrounded by enemies. हर एक विश्वासी, हर एक जवान जो यहाँ पर है, याद रखें, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं। As this is a family Sunday. I am going to draw a few things from the scripture so you will be victorious and you will make every home a valley of blessing. जैसे आज रविवार सुबह की आराधना है मिलीजुली तरीके से लोग यहाँ बैठे हैं परिवार के लोग हैं बच्चे लोग हैं सब कोई है मैं बताऊंगा कि आखिर आप कैसे अपने उस दुख की तराइयों को आशीषों की तराई में बदल सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा वो बातें आखिर कैसे आप इन कदमों को उठा सकते हैं 12वीं आयत में लिखा है हम तेरी ओर मदद के लिए देख रहे थे वहां लिखा है परंतु हमारी आंखें मदद के लिए तेरी ओर लगी हुई थी शत्रुओं के बीच में Your eyes must be focused on Jesus Christ.
शत्रुओं के बीच में, पारिवारिक विषम परिस्थितियों में, तमाम प्रकार की मुश्किलातों के बीच में आपकी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। इसलिए आप देखते हैं भजन 46 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा मेरा शरीर स्थान और मेरा बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। सबसे पहली बात, आपकी निगाहें आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। 13वीं आयत, वे परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहे। Yes, we may be in the midst of difficulties in the marriage, in the family, among the boys and siblings, but you are not standing there, you are standing before the presence of the Lord. लाजमी है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रगणों के बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में आप एक ऐसे समय पर आ जाए जहां पर आप तकलीफों और संकटों के मध्य हैं, लेकिन याद रखें उस समय प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। और मेरे पिता ने मुझे ये बात सिखाई है, यदि तुम परमेश्वर के सामने खड़े होते हो तुम दुनिया में किसी के सामने भी खड़े हो सकते हो। अब याद रखिए अहाब की बात कर रहे हैं जो एलियाहा महल में है। आप देखिए वो उस महान राजा के महल में है, लेकिन एलिया ने कहा मैं प्रभु यहोवा के भवन में उसकी उपस्थिति में खड़ा हूं। यदि आप संकट चुनौती के मध्य में खड़े हैं और आप आशीषों को देखना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। अब यहां पर कुछ तो 14 आयत में होता दिखाई देता है। तब आप देखिए अंग्रेजी में लिखा है, वहां खड़े हुए लोगों में से जो बीच में एक व्यक्ति था उसमें परमेश्वर की आत्मा उतर आया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं, तीसरी बात, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा उतर आती है। और जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है, आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अलग अलग सेवकाइयां, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में मैं लगा हुआ हूं, यहां तक कि जो शाला हमारी है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में जय देखना चाहते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको चाहिए। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी कुवत के द्वारा नहीं, यदि अपने जीवन में आप सफल हो चाहते हैं, विश्वासियों आपको पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। क्या आपके पास पवित्र आत्मा है उन चुनौतियों के बीच में? चौथी बात, लिखा है तुम भयभीत मत होना। जो भय है आपके सोच विचार करने की शक्ति को नुकसान पहुंचा देता है। जो भय है आपके विश्वास को भ्रष्ट कर देता है। Fear will take you to a different
और जो भय है आपको दूसरे मार्ग से होके जाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा हर एक परिवार से इस बात को कह रहा है, आप भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही जो विषय है मैं ख्रिस्त जयंती की सुबह में बोलूंगा कि तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभिभावकों, पालक गणों, आप चिंतित ना हो, परमेश्वर आपके बच्चों की सुधि लेगा। बाइबल कहता है कि मैंने संकट के दिन यहोवा को पुकारा और उसे सारी विपत्तियों से मुझे आजाद किया। बाइबल कहती है यहोवा मेरा उद्धार और मेरी ज्योति है, मैं किसका भय खाऊं। भजन 18 में लिखा है कि यहोवा मेरी पक्ष में है, मैं किसका भय खाऊं। दूसरे तीमुथियुस की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की पवित्र आत्मा को दिया है। मेरा परमेश्वर आज अभिभावकों से इस बात को कह रहा है, आप भयभीत ना हो। कई ऐसे नकारात्मक खबरें बाइबल कॉलेज से, हमारे शाला से, हाउस ऑफ होप से, अलग अलग स्थानों से आती हैं, लेकिन मैंने प्रण कर लिया है कोई भी बात मुझे डगमगा नहीं सकती। इस बड़ी सेना को देखकर तुम भयभीत ना हो। मेरी बात सुने, वो जो तुम्हारे अंदर है उससे जो इस दुनिया में है महान है। हो सकता है सेना बहुत पराक्रमी हो, लेकिन वह पराक्रमी परमेश्वर है। मैंने कहा सर्व पराक्रमी परमेश्वर हमारे पास है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हताश नहीं कर सकती। मैंने कहा दुनिया की कोई भी ताकत मुझे निराश नहीं कर सकती। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि जब हम किसी बड़ी कंपनी या फैक्ट्री को चलाते हैं तब हमें चिंतित होना पड़ता है कि अगला कर्मचारी कहां से आएगा। यहाँ तक जो शाला हमारी है वो भी सेंट्रल इंडिया आउटरीच की सेवकाई है। मैं चिंतित नहीं होता कि क्या लक्ष्य, क्या योजना हम बना रहे हैं। मेरा लक्ष्य यही है कि क्या परमेश्वर की दिलचस्पी उसमें बनी हुई है। मैं विश्वास करूं जब मेरी बेटी ने इस नाम को चुना कि शाला का नाम रॉयल ट्रिनिटी या राजकीय त्रिएक परमेश्वर होगा, मेरे को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे इस सेवा में रहेगी। विश्वासियों, आप हताश न हो, आप आनंदित हो जाए। समदर्शी सुसमाचार में आप तीन बार इस शब्द को देखते हैं कि आनंदित हो जाओ, खुशमग्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ। लेकिन हम तो अपनी चुनौती के बारे में सोच सोच के अपने सेहत को, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। जब केरल में मेरे डॉक्टर ने मुझे देखा, उन्होंने बोला क्या हुआ, आप तो पहले से और ज्यादा जवान दिख रहे हो अभी। अब मुझे पता है मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, उनको ये सुनकर थोड़ा जलन हो रहा होगा। मैंने बोला मैं आपसे ज्यादा जवान दिख रहा हूँ, केरल के डॉक्टर ने मुझसे कहा था। आप निराश ना हो, ध्यान से देखिए बाइबल क्या बताती है। In verse
सत्रह आयत में, सोलह आयत में ध्यान से देखें, उनकी ओर तुम आगे बढ़ते चले जाओ, उनके विरुद्ध तुम चढ़ाई कर लो। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपनी जिंदगी में आशीषों को देखना चाहते हैं, आप शत्रुओं की सीमा में घुसपैठ कर ले। मैंने कहा आप शत्रुओं की सीमाओं में घुसपैठ कर ले, केवल पीछे भागने की कोशिश ना करें, लेकिन विश्वास के साथ आप घुस जाएं, विश्वास के साथ आगे बढ़ जाएं, और पूरे विश्वास भरोसे के साथ आप आगे बढ़े, और अपने नाती पोते अपने बच्चों के लिए आप परमेश्वर के सामने दुहाई दें। सत्रह आयत में, बहुत ही शीघ्रता से मैं आगे जा रहा हूं, मेरे अनुवाद में यो लिखा है, तुम अपने उस स्थान को पकड़ लो, धारण कर लो, अपने स्थान में तुम खड़े हो जाओ। दूसरे शब्दों में, Stand in your ground. अपने भूमि पर दृढ़ खड़े हो जाओ, Stand on the promises of God. और परमेश्वर के वायदों पर खड़े हो जाओ। आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर के कई वायदे आपके पास हैं, अपने बच्चों के लिए बाइबल में कई वायदे आपके पास हैं, और उन वायदों पर आप दृढ़ खड़े हो जाएं। मैंने कहा उन वायदों पर आप दृढ़ खड़े हो जाएं, हार ना माने। आगे लिखा है, और स्थिर खड़े रहो। After you take the position, then what about say, stand still. जब आप अपना स्थान लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, दाबी कहती है, उसके बाद शांत वहां खड़े रहो। This is very hard to believe. विश्वासियों के लिए कई बार ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है। They are not पता है परमेश्वर है। Even Abraham tried to help God. यहां तक कि इब्राहिम ने परमेश्वर की मदद करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं, प्रोफेसर बाबू ने भी मूसा के बारे में बताया, निर्गमन 3 अध्याय से मूसा ने 5 बहाने परमेश्वर के सामने रखे। और वो शांत रहकर परमेश्वर की सुनना नहीं चाहता था। विश्वासियों, मुश्किलातों के बीच में आपको सीखना होगा कि आप कैसे शांत खड़े रहें, आप कैसे वायदों पर दृढ़ खड़े रहें। कई बार अपने माता पिता को मैंने मुश्किलातों के बीच में विश्वास में स्थिर खड़े हुए देखा है। मेरे पिता प्रार्थना कमरे में जाते और उस सोफे में शांति से वहां बैठे रहते, बहुत ही शांत। किसी को पता भी नहीं चलता कि वो उस कमरे में है, वो केवल परमेश्वर के सुनना चाहते थे। Best messages which came out on the platform from his mouth, where he was just resting in the presence of God. और मैं कहना चाहूंगा सबसे अच्छे संदेश जो उन्होंने मंच से दिए वो तब उनके अंदर से निकले जब वो परमेश्वर में शांत ठहरे हुए थे। I have learned for the last 25 years, stand still and you will see what God will do in you. पिछले 25 सालों मैंने इस बात को सीखा है, जो आप परमेश्वर में शांत स्थिर उसमें खड़े और बने रहते हैं, अद्भुत काम परमेश्वर आपके द्वारा करता है। आप अपने से प्रयास ना करें हर एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने का।
हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि परमेश्वर इससे पहले कि हमें बताए कुछ करे अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। Yes, Lord, what's out there to pay the billings of this school? बहुत से रसीद हैं जिसके रकम हमें अदा करने हैं, इमारतें बन रही है। But we stand still, we stay quiet, and miraculously, God is blessing our hands. हम बड़े शांत रीति से परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर लगातार हमें आशीषें देता रहता है। This morning when my wife was talking to me every morning at 1 o'clock in the morning, she said, "Daddy, before I went to Kerala, I took my offering of this Sunday and next Sunday, and I kept it because I did not want to come." आज सुबह मेरी पत्नी सुबह 1 बजे मुझे बता रही थी कि केरल जाने के पहले मुझे पता है यहाँ पर 2-3 रविवार तक हम नहीं रहेंगे, तो मैंने अपना दान निकाल लिया इस रविवार का, आने वाले रविवार का और उसके बाद के रविवार का, और मैं निकाल करके दान की पेटी में डाल दी क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा आपको शांत प्रभु बने रहना है, कई लोग हमसे जल रहे हैं कि प्रभु इनको कितनी आशीष दे रहा है। आपको पता है हम आशीषित क्यों हैं? क्यों पता है हमें अपने स्थान में कैसे दृढ़ खड़े रहना है, शत्रुओं की सीमाओं में कैसे घुसपैठ करना है हमें मालूम है। परमेश्वर की योजना से कोई भी बात हमें दूर नहीं कर सकती। यहां तक कि जो बैंक के अधिकारी हैं वो भी अजूबे में पड़ जाते हैं, अचंभा करने लगते हैं कि आखिर कैसे इतनी आशीष परमेश्वर हमें दे रहा है। ये केवल परमेश्वर है। हम चाहे तो यरीहो में जहां पर कुछ भी नहीं, हम आशीषों की बारिश और नदियों को देख सकते हैं और हर एक घर में आशीषों की बारिश हम देख सकते हैं। फिर आप देखिए आगे क्या होता है। आप देखिए वहां पर शांति से खड़े रहो और अपने जय को तुम्हारे पास आते हुए तुम देखो। जब आप स्थिर खड़े हो जाएंगे आप जय को देख पाएंगे। 26 साल पहले हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम कहां खड़े होंगे। हमारी कार को हमने गंवा दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज आशीषित किया है। कार के ऊपर कार हमारे पास है। You will see the victory in your family. आप अपने वैवाहिक जीवन में जय को देख पाएंगे। Young people, you will see the victory if you learn to stand still in the presence of God. जवानों, जब आप इस बात को सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपको खड़े रहना है, आप अपने जीवन में जय को देख पाएंगे। But in the midst of victory, लेकिन उन जय या उसके बीच में you have to see what Jehoshaphat did. आप देखिए यहोशाफात क्या करता है। तब यहोशाफात भूमि की ओर मुंह करके झुका। When you enjoy and see the victory and the blessing, remember to bow down before God. जब आप आशीषों को और जय को अपने जीवन में आते हुए देखते हैं, याद रखें कि आप परमेश्वर के सामने झुक जाएं, नम्र रहें। और जब मिसेस गोरेलाल के विषय में हमें मालूम चला, माय वाइफ सेड आफ्टर रूथंती शी वाज द मोस्ट लविंग वुमन इन दिस चर्च। और रूथंती के बाद यदि कोई सबसे प्रेमी स्त्री इस कलीसिया में थी, प्यार करने वाली, तो वो मिसेस ज्ञानी गोरेलाल थी। And Mrs. Edna Auntie, she's sitting here. But these are the ladies, old ladies, senior ladies who love us very much. और मिसेस एडना भी हमारे बीच में है। ये उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं जो वरिष्ठ हमारे बीच में है, जिन्होंने हमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है। और मिसेस गोरेलाल जब भी मुझे या मेरी पत्नी को देखती, वो आकर हमें आलिंगन करती। ध्यान से सुने,
When she came, my wife came first time, she went to see Mrs. Goyal. In 2007, Mrs. Goyal could not believe that lady coming from America went to her house and gave it a big hug and gave a kiss to Mrs. Goyal. बहुत दिनों के बाद जब मेरी पत्नी अमेरिका से भारत आई और जैसे ही वो 2007 में भारत पहुंचे, मिसेस गुरलाल से मिलने के लिए घर गए, वो विश्वास नहीं कर पाए कि आखिर कैसे अमेरिका से आई हुई स्त्री तुरंत ही हमारे घर में आ रही है और फिर बच्चों से मिल रही है। यंग पीपल ध्यान से सुन रहे हैं, थोड़ा का समय बना लेना के इसका मतलब नहीं घमंड की आंसू हो जाए, नम्रता के साथ रहे, वीरता के साथ रहे, इन ड्यू टाइम गॉड विल एक्सॉल्ट यू। उचित ऋतु में परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा। He bowed down before the Lord. वो परमेश्वर के सामने झुक गया। And when he bowed down, he said two things. और जब वो झुका उसने दो बातें कही। बीसवें वचन के आगे जाना। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। बिल्कुल सही। तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम पृथक हो जाओगे। जमानत सुना। God has given leaders in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में अगुओं को दिया है। If you start believing the Lord and believing the leaders, you will be victorious. यदि आप अगुओं पर और अपने पासवानों पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, आप जय पाना शुरू करेंगे और आप स्थिर खड़े रहेंगे। आइए हम 21वीं आयत में आ जाएं। 6 अतिरिक्त मिनट बचे हैं। अब कुछ तो यहां पर हो रहा है। 21 और 22 आयत में जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी के देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। चौथे दिन के बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया, इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। हिंदी में आए ये से बिकॉज़ द पीपल प्रेज एंड थैंक द लॉर्ड, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की और उसका धन्यवाद किया। इसीलिए उस स्थान को आशीषों की तराई कहा गया। विश्वासियों, पालकों, एवरी होम, हर एक घर में यू कैन मेक ए होम ऑफ ब्लेसिंग, हर एक घर को आप आशीषों का घर बना सकते हैं। As a home of blessing. मैंने कहा आशीषों का घर आप बना सकते हैं। Even this trip when we were away, how many times we were giving thanks to God, we had nothing. I'm talking, I can go back 65 years ago, nothing. We went through a lot of hardship, a lot of challenges. यहाँ तक कि इस यात्रा में जब हम केरल गए थे, हम लगातार प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे कि 65 साल पहले कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर ने इतनी बरकत हमारे जीवन में दी है। और जब आज आधुनिक होटल्स और रेस्तरां में हम जाते हैं, हमें याद आता है किस प्रकार से अखबार बिछाकर हम सोया करते थे, परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है। मेरी बात सुने, आपका घर आशीषित घर हो सकता है। और हर एक घर को मैं बोल सकता हूं कि आशीषों का घर है, यहां आशीषों का सोता बहता है। और यहोशापात ने एक बहुत ही सामर्थ्य बात यहां कही है, 27 आयत में
तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। शत्रुओं पर किसने विजय की? परमेश्वर ने। हुआ योर मनी योर एजुकेशन इज नॉट इनफ फॉर कॉलिंग योर होम ए वैल्यू ऑफ ब्लेसिंग। आपके घर को आशीष की तराई कहने के लिए आपका पैसा आपकी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। हमें अपने घर में परमेश्वर की जरूरत है। मैंने कहा परमेश्वर की उपस्थिति हमें अपने घर में चाहिए, परमेश्वर की हुजूरी अपने घर में हमें चाहिए। और जैसे मैंने कह रहे कि इस विवाह में इस बात को कहा, परमेश्वर की वेदी हमें अपने घर में चाहिए। उन चुनौतियों के बीच में जवानों ध्यान से सुनो, पालकों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं आजकल जवान बच्चे। इसके पीछे कारण है क्योंकि सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव हमारे जवानों पर पड़ रहा है। हमें अपने परिवार परमेश्वर को वापस लेकर आना है। मेरी बात सुनिए, अच्छे वस्त्र, अच्छी शिक्षा और अच्छा रख रखाव पर्याप्त नहीं है। जवानों मेरी बात आप सुने, अपने सृजनहार को स्मरण रखें। सबसे पहले परमेश्वर की धर्म राज्य की खोज करें और ये तमाम बातें आपको मिल जाएंगी। अपने आकोर की तराइयों को हम आशीषों की तराई में परिणित कर सकते हैं। यदि आप बदलना चाहते हैं अपने साथ ना खड़े हो जाए। महान परमेश्वर आज आपके परिवार में जवान के ऊपर अपनी आशीष को देना चाहता है। माता पिता आंसुओं के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो आपके साथ नहीं है वहां पाए जाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, टेम्पटेशन बहुत है, बहुत ज्यादा टेम्पटेशन है। अभी मैं जब गुजरात की कॉन्फ्रेंस में बोल रही है, वहां भी यूथ कॉन्फ्रेंस है, बोला भाई साहब लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर कम से कम 3 घंटे टीचिंग दीजिए। लिविंग रिलेशनशिप बिना शादी के लोग अपने साथ किसी को भी रख देते हैं। मैंने कहा इतनी समस्या हो रही है, बहुत समस्या हो रही है। Children are giving headache and heartache to the parents. बच्चे, आज के जो जवान बच्चे हैं, अपने माता पिता को सिर दर्द दे रहे हैं, उनके लिए समस्याओं को खड़ा कर रहे हैं। We want to turn our home a valley of blessing. हम अपने घर को आशीषों की तराइयों में बदलना चाहते हैं। I will not turn any home into a valley of blessing. मैंने कहा हर एक घर को हम आशीष की तराइयों में बदलना चाहते हैं। We want to bring every young people for Jesus Christ. हम हर एक जवान को परमेश्वर के लिए जीतना चाहते हैं। Every eye closed. हर एक आंख बंद हो जाए। पास्टर फेलिक्स आएंगे, प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के द्वारा सभा को समाप्त करेंगे। Tonight, 6:30, please come to Johnson Gorilal's house for condolence meeting. आज शाम को 6:30 बजे जॉनसन गोरेलाल के घर में आप सभी उस सभा के लिए पहुंच जाएं। जीवित प्रवेश करके पवित्र स्नान